एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पटियाला रूट्स। क्लास ट्वेल्थ आरोह, रुबाइयां, फिराक गोरखपुरी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, चांद का टुकड़ा बच्चे के लिए उपयोग किया गया है, बच्चा अपनी माँ के लिए चांद के टुकड़े समान है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, अपने गोद में लेती है माँ उसे और हाथों से उछाल उछाल कर उसके साथ खेलती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब हम किसी बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह बच्चा खिलखिला उठता है, हंस पड़ता है। नहलाके छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए घेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। माँ अपने बच्चे को छलके छलके निर्मल जल से नहलाती है, उसके बालों में कंघी करती है, गेसुओं अर्थात बाल गेसुओं में कंघी करती है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। बच्चा अपने माँ को किस प्यार से देखता है, जब माँ अपने बच्चे को घुटनों में लेटाकर कपड़े पहनाती है, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। यहाँ माँ की ममता के बारे में बताया गया है। दिवाली की शाम घर पूते और सजे, मतलब दिवाली की शाम में घर को सजाया जाता है, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, मतलब मीठी खाने की चीजें होती हैं, और जगमगाते लावे अर्थात दिए जगमगाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, उस छोटे से नन्हे से बच्चे की चेहरे पर जो दमक होती है अर्थात चमक होती है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। माँ बच्चे के पास दिए जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है जिंद आया है, बालक तो चांद पे ललचाया है। आंगन में ठुनक रहा है अर्थात बच्चा आंगन में खेल रहा है, अपने घुटनों के बल चल रहा है। बालक तो चांद पे ललचाया है अर्थात चांद को देखकर वह खुश होता है। दर्पण उसे देकर कहती है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। जब दर्पण अर्थात शीशा, शीशे को जब माँ अपने बच्चे को दिखाती है तो शीशे में उस बच्चे की सूरत दिखाई देती है और माँ अपने बच्चे को ही चांद बताती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है भांति चमकती राखी। रक्षाबंधन की सुबह होती है और रस की पुतली अर्थात मिठाइयाँ रखी जाती है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, मौसम बहुत सुहाना और अच्छा हो रहा है। जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार राखी भी चमक रही है अर्थात लच्छे भी चमक रहे हैं, और बहन अपने भाई की हाथों पे राखी बांधती है, कलाई पे राखी बांधती है। भाई के है भांति चमकती राखी। सो आई होप कि आप सभी को यह पोयम बहुत आसानी से समझ आई होगी, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe to my channel, Patiala Dudes.